Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Shishpal Chauhan, आप सबका अपनी online teaching classes में स्वागत करता हूँ. आज मैं 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका उनकी बुक फ्लेमिंगो का सेकंड लेसन का पार्ट टू लेके आया हूँ. सबसे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. दोज आर इन 30-40 वर्ड्स और यू में से 30-35 वर्ड्स एज द रिक्वायरमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट जो भी दी होती है 30 या 40 वर्ड्स के लगभग होते हैं ये, तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ. पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था. व्हाट वाज हिज ड्रीम, उसका सपना क्या था. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मुकेश वाज आल्सो वन अमंग द थाउजेंड्स ऑफ बॉयज हु आर एंगेज्ड इन द ओड वर्क ऑफ मेकिंग बैंगल. मुकेश भी उन हजारों बॉयज में से एक है या बच्चों में से एक है जो बैंगल मेकिंग का जो कार्य है उसमें एंगेज्ड हैं. चूड़ियां बनाने का कार्य किन परिस्थितियों में बनाया जाता है, ये इंट्रोडक्शन शुरू में डाल सकते हैं. पार्ट वन में आपने साहेब और रैग पिकर्स की कहानी देखी कि किन परिस्थितियों में वो सीमापुरी इलाके में रहते हैं दिल्ली के, और उनका जीवन स्तर कितना निम्न है और किस तरह से वो मुश्किल कंडीशंस में बिना किसी फैसिलिटीज के, जो बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ हैं उनके बगैर वो जीते हैं. तो उनके बाद अनीस जंग जो राइटर हैं, अब मुकेश और उसके परिवार वाले और उनके जितने भी उन जैसे लोग हैं जो बैंगल मेकिंग कार्य में लगे हुए हैं, चूड़ियां बनाने के कार्य में लगे हुए और किन कंडीशंस में वो काम करते हैं. ऐसी छोटी छोटी कोठरियां हैं जिनमें बैंगल मेकिंग का कार्य किया जाता है और वो लगभग दिन रात उस काम में लगे रहते हैं, और डिम लाइट होती है, ऑक्सीजन की पूरी तरह से कमी होती है उनके घरों में या जिस जगह पे वो बैंगल मेकिंग का कार्य करते हैं. इन सब बातों का आपको इन क्वेश्चंस में जिक्र मिलेगा और इस तरह से लेसन भी आपका क्लियर होता चला जाएगा. एक एक क्वेश्चन हम जब लेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन मुकेश के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है. हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज ड्रीम, मुकेश कौन था, उसका सपना क्या था. मुकेश वाज आल्सो वन अमंग द थाउजेंड्स ऑफ बॉयज हु आर एंगेज्ड इन द ऑड वर्क मेकिंग बैंगल्स. मुकेश भी हजारों लड़कों की तरह इस बैंगल मेकिंग के मुश्किल कार्य में जो लगे हुए हैं उनमें से एक है. हिज ड्रीम वाज टू कम आउट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. उसका सपना ये था कि ये जो विशियस सर्कल है, गरीबी का ये जो कुचक्र है, वो उससे निकलना चाहता था और अपने परिवार को भी उस गरीबी के नरक से बाहर निकालना चाहता था. He wanted to become a garage mechanic. वो एक गैराज मैकेनिक बनना चाहता है. For this, he would go on foot to reach the garage to get his training. और लेखिका को अनीस जंग को ये मुकेश बताता है, जब मुकेश के साथ अनीस जंग की मुलाकात होती है, वार्तालाप होता है, तो उसमें अनीस जंग को मुकेश बताता है कि उसका सपना गैराज मैकेनिक बनने का है, उसके घर से बहुत दूर है, तो वहाँ वो पैदल जाएगा और अपने सपने को साकार करेगा. सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं. व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस. फिरोजाबाद के शहर को कौन सी ऐसी चीज है जो इस लेसन में जिसका जिक्र किया गया है और वह चीज फिरोजाबाद को प्रसिद्ध बनाती है, फेमस बनाती है, वो कौन सी चीज है, आपको उसका जिक्र करना है. द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैंगल्स ऑफ वेरियस कलर्स. जो फिरोजाबाद का शहर है वो बैंगल मेकिंग के लिए बहुत फेमस है. तरह तरह के रंगों की चूड़ियां यहाँ बनाई जाती है. दिस ऑड जॉब इज डन बाई सो मैनी पुअर फैमिलीज एंगेज्ड इन दिस वर्क. और ये जो मुश्किल कार्य है, और ये जो मुश्किल कार्य बैंगल मेकिंग का है, इसमें बहुत से सैकड़ों परिवार इस कार्य में लगे हुए हैं, दिन रात वो काम करते हैं. अबाउट 20,000 चिल्ड्रन आर ऑल्सो एंगेज्ड इन दिस वर्क. और इस कार्य में लगभग 20,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, इस कार्य को करते हैं. थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास बैंगल फैक्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद. जो फिरोजाबाद की ग्लास बैंगल
फैक्ट्रीज हैं जो चूड़ियां बनाती हैं, कांच की चूड़ियां जहां पे बनाई जाती हैं, तो वहां पे बच्चे जो कार्य करते हैं किन परिस्थितियों में करते हैं, किन कंडीशंस में करते हैं, यू आर टू एक्सप्लेन दिस थिंग। और यू मे हैव दिस क्वेश्चन इन अनदर फॉर्म, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद। यू आर टू एक्सप्लेन द हैजर्ड्स मीन्स रिस्क डिफिकल्टीज ऑफ वर्किंग इन द ऑड कंडीशंस ऑफ बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज। जो बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज हैं वहाँ जो कंडीशंस हैं मिजरेबल कंडीशंस हैं, बुरी कंडीशन है, तो वहाँ के बारे में आपको बताने हैं कि क्या क्या रिस्क इन बच्चों को, इन परिवारों को उठाने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। आंसर इज द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद डू नॉट प्रोवाइड गुड ह्यूमन कंडीशंस फॉर द थाउजेंड्स ऑफ इट्स वर्कर्स। जो फिरोजाबाद की ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज हैं वो हजारों वर्कर्स को, ये जो कार्य करते हैं हजारों वर्कर इन फैक्ट्रीज में, उनको जो बेसिक ह्यूमन कंडीशंस है वो भी मुहैया नहीं कराती, वो भी इनको प्रोवाइड नहीं कराती। दे हैव टू वर्क इन स्मॉल रूम्स विच हैव नो वेंटिलेशन फॉर फ्रेश एयर एंड लाइट टू कम देयर। इन्हें छोटे छोटे कमरों में काम करना पड़ता है जिनमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई रोशनदान नहीं है जहां से ताजा हवा अंदर प्रवेश कर सके, और प्रॉपर लाइट भी इन कमरों में नहीं है, अंधेरा छाया रहता है। बहुत ही मध्यम सी रोशनी जो भट्टियों के जलने से, कोयलों में से जो रोशनी निकलती है, मात्र वही रोशनी, उसी रोशनी में ये लोग कार्य करते हैं। एक्चुअली द वर्कर्स हैव पुट देयर आईज इन डेंजर व्हाइल वर्किंग इन दीज डार्क प्लेसेस विद द लाइट ऑफ फर्नेसेस ओनली। वास्तव में इन वर्कर्स ने मजबूरी के तहत अपने जीवन को दांव पे लगाया हुआ है, खतरे में डाला हुआ है, अपनी आंखों को खतरे में डाला हुआ है रोजी रोटी कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ इन कमरों में जो भी लाइट होती है वो भट्टियों में से निकलने वाली रोशनी की ही लाइट होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन लेके चलते हैं। डिस्क्राइब द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्स। जिस लोकेलिटी में मुकेश रहता है उस लोकेलिटी का आपको जिक्र करना। द लोकेलिटी इन विच मुकेश लिव्स इज नॉट अ हेल्दी प्लेस टू लिव। जिस जगह पे मुकेश रहता है, जिस एरिया में मुकेश रहता है, वो रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, एक स्वास्थ्यवर्धक जगह नहीं है। द स्ट्रीट्स आर नैरो एंड वन कैन नोटिस हीप्स ऑफ गार्बेज लाइंग हियर एंड देयर। गलियां बहुत तंग है और आप अगर उन गलियों में से गुजरो तो आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे कूड़े करकट के ढेर नजर आएंगे, हीप्स ऑफ गार्बेज आपको नजर आएंगे। द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स लिव इन दोज स्ट्रीट्स एमिटिंग फाउल स्मेल। ह्यूमन बीइंग भी और एनिमल्स भी, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे गाय है, गाय तो इन घरों में मुश्किल से ही मिलती होगी, बकरियां रखी हुई हैं इन लोगों ने, रखने का खर्चा बहुत कम होता है, जगह भी बहुत कम घेरती हैं, तो डॉग्स भी मिलेंगे इन गलियों में, और ह्यूमन बीइंग और ये डोमेस्टिक एनिमल इकट्ठे रहते हैं और उसी जगह जिस जगह में रहते हैं तो फाउल स्मेल वहां से आती है। द हट्स दे लिव इन हैव नो विंडोज एंड द डोर्स आर अबाउट टू फॉल एनी टाइम। इन घरों में खिड़कियां नहीं हैं और दरवाजे खस्ता हालत में हैं, ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ा सा धक्का दे दें आप तो गिर जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द गर्ल्स एंड बॉयज वर्किंग इन डार्क हार्टमेंट्स। ये जो डार्क हार्टमेंट्स हैं, छोटी छोटी कोठरियां हैं, इनमें लड़के लड़कियां काम करते हैं, तो उनके बारे में आप लेखक हमें टेक्स्ट में क्या बताते हैं। इन द डार्क हट्स स्मॉल बॉयज एंड गर्ल्स सिट नियर द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट। इन अंधेरी कोठरियों में लड़के लड़कियां जो वर्कर के रूप में काम करते हैं वहां पे, वो फ्लिकरिंग लाइट्स, फ्लिकरिंग लैंप्स हैं, तेल से जलने वाले लैंप्स हैं, टिमटिमाने वाले जो हल्की हल्की जिनमें रोशनी निकलती है, उनकी लौ टिमटिमा रही होती है, उस रोशनी में वो काम करते हैं। दे वेल्ड द पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। क्या काम करते हैं वो जो बैंगल्स हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां हैं कांच की, उनके जोड़ लगाते हैं, उनके जोड़ों को वेल्ड करते हैं, मतलब उन्हें जोड़ते हैं। देयर आईज आर ऑलमोस्ट मोर एडजस्टेबल टू द डार्कनेस रादर देन द लाइट ऑफ द डे। और इनकी आंखें अंधेरे में अधिक अभ्यस्त हैं, हैबिचुअल हैं अंधेरे में रहने की, तो अगर वो धूप में आ जाए, बाहर रोशनी में आ जाए, तो इनकी आंखें एकदम टिमटिमाने लग
इनकी आगे चकाचौंध हो जाती हैं। दे आर नॉट एडजस्टेबल इन द ब्रॉड डे लाइट, जो ब्रॉड डे लाइट होती है उसमें एडजस्टेबल इनकी आंखें नहीं है। दिस इज द रीजन वाई दे लूज देयर आई साइट बिफोर रीचिंग देयर अडल्टहुड, और यही कारण है अडल्टहुड में पहुंचने से पहले ही उनकी आंखें कमजोर हो जाती है या इनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल चली जाती है। आगे चलिए, ऊपर वाला फिफ्थ क्वेश्चन था, अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज सविता, सविता कौन है, व्हाट इज शी डूइंग, और वो क्या कर रही है, व्हाट डज द राइटर वंडर अबाउट हर, और लेखिका उसके बारे में क्या सोचती है। आप जानते हैं कि अनीस जंग मुकेश के साथ उनके परिवार से मिलने गई थी, तो वहां पे लेखिका ने एक लड़की को देखा जिसका नाम सविता था, और वो उस वक्त क्या कर रही थी और लेखिका उसके बारे में क्या सोचती है, ये आपको इसमें लिखना आंसर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सविता इज ए यंग गर्ल हु इज सिटिंग नियर एन एल्डरली वुमन, सविता एक नौजवान लड़की है और एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी हुई है, अपने परिवार की दादी हो सकती है, सविता की दादी अम्मा हो सकती है। शी इज इन पिंक ड्रेस, और वो पिंक ड्रेस में है, एंड सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, चूड़ियों के जोड़ों को वेल्ड करना वो कर रही थी। वो द राइटर वंडर्स इफ शी नोज अबाउट दी सैंक्टिटी ऑफ बेंगल्स दैट शी इज वेल्डिंग, लेखिका सविता को देखती है और मन ही मन में सोचती है कि क्या इस लड़की को, क्या इस बच्ची को इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कुछ पता है। आप जानते हैं कि चूड़ियां सुहागन की निशानी होती हैं, सुहाग की निशानी होती है, और शादी में चूड़ियों का पहनना, चूड़ा पहनना, चूड़ पहनना बहुत ही पवित्र माना जाता है, एक शादी के अटूट बंधन का प्रतीक है, और जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं वो रंग बिरंगी चूड़ियां अपने जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उस उन अवसरों पे वो पहनती हैं। तो लेखिका यही सोचती है कि क्या इस बच्ची को इन बातों का पता है। अब क्वेश्चन सेवन पे चलते हैं, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, आपकी राय में क्या मुकेश इस अपने सपने को साकार कर सकता है, रियलाइज कर सकता है। हाउ इज हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और उसके उसका जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, उसके पेरेंट्स से कितना भिन्न है, डिफरेंट है, ये भी आपको इसमें क्वेश्चन में बताना है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इज इट पॉसिबल फॉर मुकेश टू रियलाइज हिज ड्रीम, क्या मुकेश के लिए ये संभव है कि वो अपने सपने को रियलाइज कर सके, उसे साकार कर सके। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है, काफी अच्छे क्वेश्चन है सारे। आंसर इज द ऑथर नोटिस्ड अ स्पार्क ऑफ होप इन मुकेश आई, जब लेखिका की मुकेश के साथ मुलाकात हुई थी तो लेखिका ने मुकेश की आंखों में एक चमक देखी थी, एक स्पार्क देखी थी, जिसमें एक आशा की किरण जिसे कहते हैं वो नजर आ रही थी। He was determined to break the lines of his forefathers by becoming a garage mechanic. उनके परिवारों में उनके पूर्वजों ने या उनके फादर तक की जो पीढ़ी थी, उन्होंने गरीबी की जो लाइनेस थी, जिस कुचक्र में वो फंस गए थे गरीबी के, उसको तोड़ने के लिए अभी भी किसी ने साहस नहीं दिखाया था, और ये मुकेश था जो इस कुचक्र को तोड़ने की हिम्मत रखता था। उसके अंदर वो जज्बा था, लेखिका ने ये जज्बा उसकी नजरों में साफ तौर पे देखा। इट्स पॉसिबल फॉर हिम टू रियलाइज हिज ड्रीम बिकॉज ऑल हर्डल्स आर रिमूव्ड इफ द पर्सन इज डिटरमिन्ड, और हम ये कह सकते हैं कि उसका सपना साकार हो सकता है, कारण कि यदि व्यक्ति डिटरमिन्ड हो जाए, दृढ़ निश्चय कर ले, दृढ़ निश्चयी हो जाए, तो कोई भी हर्डल जीवन की उसके रास्ते में अड़चन पैदा नहीं कर सकता, कोई भी मुश्किलात, कोई भी डिफिकल्टी उसके रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती। ही वुड वॉक द लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द गैराज, वो खुद कहता है कि वह गैराज में पहुंचने के लिए पैदल चल के एक लंबा सफर तय करेगा। हिज पेरेंट्स बिलीव इन डेस्टिनी विच द थिंग कैन नॉट बी चेंज्ड, और लेखिका को बताता है कि उसके माँ बाप डेस्टिनी में विश्वास करते हैं, भाग्य में विश्वास करते हैं, और लेखिका जब उनसे बातें करती हैं उनके मुकेश के परिवार वालों से, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि वो कितने भाग्यवादी थे, फैटलिस्ट थे, यही मान के कॉम्प्लेसेंट हो चुके थे, सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए थे कि उनका भाग्य नहीं बदलने, उनके जीवन में गरीबी लिखी है और गरीबी में ही वो जिएंगे। ये मुकेश था जो इस भाग्यवादी
दृष्टिकोण को बदलना चाहता था, तोड़ना चाहता था। सम मोर इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो लेके चलते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और उनकी लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी गई, आप उनको जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज एम, मुकेश कौन है, उसका लक्ष्य क्या है। मुकेश इज द सन ऑफ ए बैंगल मेकर, एक बैंगल मेकर का बेटा है। ही ऑल्सो मेक्स बैंगल्स, वह भी बैंगल्स बनाता है। द स्प्रिंग ऑफ हिज लाइफ इज ऑल्सो लॉस्ट, इस बच्चे की भी, इस लड़के की भी स्प्रिंग, जो बसंत ऋतु है, जो बचपन है, वो खो गया है। He does not go to school, वह स्कूल नहीं जाता, सरल भाषा में लिखते हुए। His aim is to become a motor mechanic, उसका aim क्या है, लक्ष्य क्या है, एक motor mechanic बनने का, garage mechanic बनने का। He wants to become his own master, ये भी साहिब की तरह अपने काम का मालिक बनना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की जो ग्लास फर्नेसेस हैं, जहाँ ये बैंगल्स बनाई जाती हैं, तो उन इंडस्ट्रीज में, उन फैक्ट्रीज में, छोटी छोटी स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ बच्चों के काम करने की जो कंडीशन है वो कैसी हैं। द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन देयर इज वेरी बैड, इन फैक्ट्रीज में, छोटी छोटी फैक्ट्रीज में कंडीशन बहुत बुरी हैं, स्मॉल रूम्स में इनको काम करना पड़ता है, छोटी छोटी सेल्स हैं, कोठड़ियां हैं। दे हैव टू वर्क इन अनबेरेबल हीट, एक तो वहाँ हीट है, असहनीय, अनबेरेबल हीट है। द रूम्स आर वेरी स्मॉल एंड विदाउट एयर एंड लाइट, कमरे बहुत छोटे हैं, बिना एयर के और बिना रोशनी के। इट बैडली अफेक्ट्स देयर आईज एंड हेल्थ, और ये कंडीशंस उनकी आंखों को, उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। थर्ड क्वेश्चन, What kind of locality does Mukesh live in? किस तरह की locality में मुकेश रहता है? He lives in a dirty locality. वह एक dirty locality में रहता है। The streets are narrow, full of garbage. गलियां छोटी छोटी हैं और garbage से भरी हुई हैं। Garbage, कूड़ा करकट। A foul smell comes all the time. इन गलियों में से, इन जगहों में से एक फाउल स्मेल हर वक्त आती रहती है, एक दुर्गंध आती रहती है। द वॉल्स एंड डोर्स ऑफ द हाउसेज आर अबाउट टू क्रम्बल, ये जो झोंपड़ियां नुमा घर हैं, शेड्स हैं, इनके जो दरवाजे हैं, हर किसी भी वक्त वो गिर सकते हैं। तो विंडोज नहीं है इनके कमरों में, इनके घरों में, इनकी झोंपड़ियों में, शेड्स में कोई विंडोज नहीं है। There is no window. Even animals also live with human beings. Human beings के साथ animals भी वहाँ रहते हैं। तो छोटे छोटे sentence लेके मैंने ये question जो second उसमें कर रहे हैं हम discuss, ये बड़ी simple language में लिखे हैं। Fourth question is about, mention the hazards of working in the glass bangle industries. Glass bangle industries में जो hazards हैं, जो खतरे हैं, risks हैं life के, तो उनको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पर यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है। द वर्कर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन अनहेल्दी कंडीशंस, इस इंडस्ट्री में जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है, इनके जो वर्कर्स हैं, दे हैव टू वर्क अंडर वेरी मिजरेबल कंडीशंस, इन्हें बहुत ही दयनीय दशा में काम करना पड़ता है। अनहेल्दी कंडीशन, अनहेल्दी जो स्वास्थ्य वर्धक जगह नहीं। They work near hot furnaces. गरम गरम भट्टियों के पास इनको काम करना पड़ता है, उनके आसपास ही बैठना पड़ता है, और जो भट्टियों में से रोशनी आती है उसमें, उसमें ये देख के काम करते हैं। They work near hot furnaces. The rooms are very small. कमरे बहुत छोटे छोटे हैं। These are without air and light. बिना हवा और लाइट के हैं। The workers lose the brightness of their eyes in their early age. और जो वर्कर्स हैं, ये अर्ली एज में ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। द पाउडर फॉलिंग वाइल पॉलिशिंग बैंगल्स इज वेरी हार्मफुल टू देयर आईज, जब ये पॉलिश करते हैं बैंगल्स को, तो उसमें से कुछ फॉग टाइप का निकलता है, कुछ पाउडर निकलता है जो इनकी आंखों को डैमेज करता है, बहुत ही नुकसान देता है। पांचों क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द बॉयज एंड गर्ल्स वर्किंग इन डार्क हटमेंट्स, डार्क हटमेंट्स में बॉयज और गर्ल्स किस तरह से काम करते हैं, किन कंडीशंस में काम करते हैं। दिस बॉयज एंड गर्ल्स आल्सो लिव इन द सेम कंडीशंस इन विच देयर पेरेंट्स आर लिविंग, ये बच्चे जिन कंडीशंस में इनके पेरेंट्स काम करते हैं या रहते हैं, उन्हीं कंडीशंस में, उन्हीं स्थितियों में ये खुद भी रहते हैं। द हटमेंट्स आर विदाउट प्रॉपर लाइट एंड फ्रेश एयर,
जिन हटमेंट्स में ये काम करते हैं, स्मॉल हट्स में काम करते हैं, वो प्रॉपर लाइट और प्रॉपर एयर उनमें नहीं, उनमें कोई उचित लाइट नहीं है, कोई वहाँ पे फ्रेश एयर भी नहीं। सच अनहेल्दी कंडीशंस बैडली अफेक्ट देयर आईज एंड हेल्थ। और ये अनहेल्दी कंडीशन जितनी भी हैं, इनके स्वास्थ्य को भी, इनकी आंखों को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। Sixth question, who are the people responsible to keep the Bengal workers in constant poverty? कौन लोग हैं जो इन बेंगल मेकर्स को लगातार पावर्टी के जंजाल में फंसाए रखते हैं? वो कौन लोग हैं, कौन जिम्मेवार हैं, वो इसके उत्तरदायी कौन है, इसके जिम्मेवार कौन है? द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर विक्टिम्स ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी। ये जो बेंगल मेकर्स हैं, ये एक कॉन्स्पिरेसी के शिकार है, एक साजिश के शिकार है, जो कि साहूकार जो ट्रेड्समैन होते हैं, मिडलमैन जो बिचौलिए होते हैं, और पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, ये सभी आपस में मिले हुए हैं और इन लोगों का वो जी भर के शोषण करते हैं। इनको गरीब रख के ही ये खुश है, वो नहीं चाहते कि इनकी गरीबी खत्म हो। उन्हें पता है अगर इनकी गरीबी खत्म होगी ये चले जाएंगे, ये किसी और काम में लग जाएंगे, उनका बेंगल मेकिंग का जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा। दे डू नॉट लेट दीज पीपल कम आउट ऑफ पॉवर्टी द विशियस सर्कल। वो नहीं चाहते कि ये लोग कभी भी गरीबी के कुचक्कर में से बाहर आए। सेवंथ क्वेश्चन है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो दृष्टिकोण है अपने परिवार से किस तरह से भिन्न है। द मेंबर्स ऑफ मुकेश फैमिली बिलीव इन फेट। और मुकेश के परिवार के लोग फेट में विश्वास करते हैं। फेट क्या होता है, डेस्टिनी, भाग्य में विश्वास करते हैं। दे आर फैटलिस्ट हैं वो, भाग्यवादी। हिज ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट पॉवर्टी इज बिकॉज ऑफ देयर कर्मा। मुकेश की दादी अम्मा विश्वास करती है कि उनकी गरीबी उनके कर्मों की वजह से है। कर्म, वो किस्मत को मानते हैं, कर्म एक्शन को नहीं मानते। वो कर्म का मतलब उनका भाग्य से है। दे हैव एक्सेप्टेड इट एज इनएविटेबल। और भाग्य को, अपनी गरीबी को उन्होंने इनएविटेबल मान लिया है। इनएविटेबल होता है जो कभी भी, जो अटल हो, अनअवॉइडेबल हो, जिसको, जिससे बचा नहीं जा सकता। बट मुकेश थिंक्स डिफरेंटली। मुकेश अलग तरीके से सोचता है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, अपना ही मालिक खुद बनना चाहता है। द राइटर हैड सीन ए रे ऑफ होप इन हिज आईज। और लेखिका ने उसकी आंखों में एक आशा की किरण देखी थी। ये लड़का अपने भाग्य को बदल सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फैमिलीज engaged in making bangles in Firozabad. Firozabad में जितने भी लोग हैं उनके जीवन के बारे में बताना है कि उनका जीवन स्तर कैसा है, किन conditions में वो काम कर रहे हैं, ये जो bangle makers हैं। Many families in Firozabad are engaged in making bangles. Firozabad में बहुत से परिवार bangle making के कार्य में जुड़े हुए हैं। These families have been doing this job for many years. और ये लोग, ये परिवार कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। और they work near furnaces, भट्टियों के पास बैठ के ये काम करते हैं। they weld glass and make bangles. glass को, चूड़ियों को वो weld करते हैं और उससे रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनती हैं। women of different parts of India wear them. इन चूड़ियों को इंडिया में अलग अलग जगहों पर रहने वाली महिलाएं इनको पहनती हैं। about 20,000 children work near these hot furnaces. इन गर्म गर्म भट्टियों के पास लगभग 20,000 children, बच्चे काम करते हैं। they endanger their eyes while doing their work. जब वो काम करते हैं तो अपनी आंखों को खतरे में डालते हैं। द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर वेरी पुअर। सारे वर्कर्स गरीब हैं। दे लिव इन इनह्यूमन कंडीशंस। और वो अमानवीय कंडीशंस में जीते हैं। द स्ट्रीट्स आर वेरी नैरो। गलियां तंग हैं। दे आर फुल ऑफ गार्बेज। गार्बेज से भरी हुई हैं। द वॉल्स एंड डोर्स ऑफ देयर हाउसेज आर इन क्रम्बलिंग कंडीशन। इन घरों के दरवाजे या खिड़कियां गिरने की कंडीशंस में है, क्रम्बलिंग होते हैं, जो कमजोर स्थिति में होती है, जो ढह जाए। द वॉल्स एंड डोर्स, इनकी दीवारें, इनके शेड्स की दीवारें, इनके दरवाजे ऐसे लगते हैं जैसे किसी भी वक्त गिर सकते हैं। मुकेश फैमिली आल्सो लिव्स इन द
इन द सेम एरिया मुकेश का परिवार भी उसी एरिया में रहते हैं. दे आर द विक्टिम्स ऑफ मिडलमैन पुलिस एंड पॉलिटिशियन. ये मिडलमैन के जो बिचौलिए होते हैं या पुलिस वाले हैं या पॉलिटिशियन के इस साजिश के ये शिकार हैं. सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं. व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन मुकेश टुक हिम टू हिज होम. जब मुकेश राइटर को अनीस जंग को अपने घर में ले गया तो राइटर ने क्या क्या देखा रास्ते में, गलियों में या जो मोहल्ला जो था वो. द कंडीशन ऑफ दैट एरिया वॉज वेरी बैड. उस एरिया की जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी. द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ गार्बेज. वही बातें रिपीट होती हैं. गार्बेज से भरी गलियां थी. दे वर फुल ऑफ फाउल स्मेल आ रही थी. हाउसेज वर इन द क्रम्बलिंग कंडीशन. घर गिरने की कंडीशन में थे. द वॉल्स एंड डोर्स वर अबाउट टू फॉल डाउन. ऐसा लगता था दीवारें और ये दरवाजे कभी भी गिर सकते हैं घरों के. देर वर नो विंडोज. इन घरों में कोई विंडोज नहीं थी. फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन दीज हाउसेज. इन दोज लिटिल हाउसेज. उन छोटे छोटे घरों में डोमेस्टिक एनिमल्स भी और ह्यूमन बींग्स भी इकट्ठे रह रहे थे. सम हाउसेज हैड थैच्ड रूफ्स. और कुछ घर ऐसे थे जो फूस के बने हुए थे. थैच क्या होते, छप्पर के बने हुए थे. मुकेश हाउस वाज ए हाफ बिल्ड शैक. और मुकेश का जो घर था एक इस तरह का शेड था जो आधा बना हुआ था. उसमें मुरम्मत का काम चल रहा था. पूरी तरह से बिल्ट अप नहीं था. शैक क्या होते, एक छोटा सा शेड. दरवाजे फायरवुड स्टोव. घर में एक फायरवुड स्टोव. फायरवुड जो एक अंगीठी नुमा या फिर चूल्हे टाइप का चूल्हा जो लकड़ी से जलता है. अ बिग वेसल वाज प्लेस्ड ऑन इट. उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था. अ यंग एंड वीक वुमन वाज कुकिंग द इवनिंग मील. और वहीं पे जो उनकी ओपन किचन थी, चूल्हे के पास एक नौजवान बट कमजोर सी महिला शाम का खाना बना रही थी. शी वाज मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ. वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी. मीन्स मुकेश की भाभी थी. शी इज द बहू ऑफ द हाउस. वह इस परिवार की बहू है. शी हैड टू कवर हर फेस विद अ वेल ऑन हर फेस इन फ्रंट ऑफ द एल्डर मेल मेंबर्स. परिवार के जो बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े हैं, तो उनके सामने उसको अपना चेहरे पे एक चुन्नी या दुपट्टा डाल के रखना ये रिवाज था. इट वॉज ए कस्टम रिवाज था. मुकेश फादर वॉज ए पुअर पर्सन. और मुकेश का जो फादर था एक गरीब आदमी था. He wanted to repair the house. वो घर को रिपेयर करना चाहता था. He also wanted to send his two sons to school. और उसका एक सपना था कि अपने दो बच्चों को वो स्कूल भेज सके. But he failed to do so. परंतु वो ऐसा करने में असमर्थ रहा, फेल हो गया. मुकेश grandfather had become blind due to the dust of the bangles. और जो bangles में से dust निकलती है polishing की, तो उसकी वजह से मुकेश के दादाजी की आंखें चली गई थी, उनकी रोशनी चली गई थी. His grandfather thought it her karma. और his grandmother thought it her karma. और मुकेश की दादी इसको अपना दुर्भाग्य मानती है, अपनी किस्मत मानती है. तो प्यारे बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ समाप्त हो जाते हैं. और इस तरह से लॉस्ट स्प्रिंग लेसन जो अनीस जंग का लिखा हुआ है समाप्त हो जाता है. थर्ड लेसन लेके मैं फिर आऊंगा. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.